चलिए मैं आज आपके बच्चे के लिए एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर लेके आया हूँ। शायद आप में से कई लोग जानते होंगे लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसमें क्या क्या है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तामरिंड पल्प यानी कि इमली और गुड़ के जूस की। जी हाँ, इमली को अच्छे से पानी में भिगो लेना है और उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेना है और उसको मिठास के लिए गुड़ इस्तेमाल करना है। फिर से कह रहा हूँ, शक्कर चीनी को कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इमली में थायमिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन के, सी, B6, फॉलेट, पेंटोथेनिक एसिड, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, जिंक, सिलेनियम, सोडियम, ये सब पोषक तत्व अवेलेबल है इमली में। जी हाँ, और आप जो गुड़ देख रहे हैं, गुड़ में फॉस्फरस, पोटेशियम, जस्ता, मैग्नीशियम, ग्लूकोज, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, ऐसे पोषक तत्व अवेलेबल है गुड़ में। ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, इसलिए गर्मियों के दिन में आपके बच्चों को जरूर पिलाएं। बस एक चीज का ख्याल रखना है कि उसे दम, अस्थमा या खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस, एलर्जी ऐसी कोई समस्या तो नहीं है, इस बात का ख्याल रखें। ये पेशाब का जलन जो होता है वो भी कम करता है क्योंकि ये नेचुरल अल्कलाइजर है। ऐसी नेचुरल चीजें जो इम्यूनिटी बूस्टर है, ऐसी चीजें मैं मेरे बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए कोशिश करता हूँ, उनको खिलाता पिलाता हूँ। आप भी कोशिश करें कि आपके बच्चों को ये पसंद आता है या नहीं आता है, और बताएं कमेंट्स में कि आपके बच्चे को ये अच्छा लगा या नहीं लगा।